पत्रकार को इंस्पेक्टर साहब ने फोन से दी धमकी, कहा अगर तुम नहीं आए तो वहीं आकर करूंगा तुम्हारी बेइज्जती। पत्रकार ने किया किसी घटना को लेकर किया था ट्वीट, तो बौखलाए हुए प्रभारी निरीक्षक बांके बिहारी सिंह पत्रकार से कहा थाना आ जाओ, अगर नहीं आए तो वहीं आकर बेइज्जती कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, वायरल ऑडियो में प्रभारी निरीक्षक किसी फरियादी महिला के साथ बद्दी बद्दी गालियों से बात भी कर रहे हैं। प्रभारी निरीक्षक का ऑडियो हुआ वायरल। मामला जिला हमीरपुर के थाना मुस्करा का है। सोशल मीडिया पर प्रभारी निरीक्षक मुस्करा के वायरल ऑडियो के संबंध में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा बताया गया कि इस केस की छानबीन हो रही है। हेलो, हेलो, हाँ मैं इंस्पेक्टर मुस्करा बोल रहा हूँ। कौन? इंस्पेक्टर मुस्करा। जी जी जी, विवेक बोल रहा हूँ। जी, अच्छा कहाँ पे तुम्हारे गांव छेड़ी मिलनी है? जी जी हुँ? जी सर। क्या करते हो भाई? पत्रकारी। काहे में पत्रकारी करते हो? पोर्टल चैनल में सर। पोर्टल चैनल जी, कोई बात हो गई है क्या सर? नहीं, बात तो कुछ ऐसी गंभीर नहीं है। हाँ, मैं जानना चाह रहे थे, और दूसरे जो है तुम्हारी क्या एज है? 20। 20 साल? कितना पढ़े लिखे? इस साल इंटर किया है। इस साल इंटर किया? कब से पत्रकारिता कर रहे हैं? साल डेढ़ साल हो गए। साल डेढ़ साल हो गए जी। तो तुम्हारे पिताजी क्या नाम है? श्री द्वारका प्रसाद यादव। द्वारका प्रसाद यादव। तुमने जो है कोई कहीं से कोई लाइसेंस अनुमति या कोई वो कुछ है तुम्हारे पास? जैसे तो हवा में काम कर। कौन सा? अरे भाई, पत्रकारिता के संबंध में जी कोई कागजात है तुम्हारे पास जैसे हवा में करते हो? ना ना, आई कार्ड है सर, पत्रकार समाज कल्याण समिति जो संस्था हुई उससे जुड़े हुए हैं। तो हमारे पास कब आ सकते हो? अभी तो सर, हमको जरा कुछ आवश्यक बात करनी है तुमसे जी। और अपना जो परिचय संबंधी जी जो भी कागजात हो लेते हैं ना, ठीक है सर? बात क्या है? अरे है भाई बात, हर बात बताई नहीं जा सकती ना टेलीफोन से। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा सर, कुछ तो बताएंगे आने का। अरे भाई, आने का क्या मतलब है? आने का मतलब यह है कि तुम्हारी हम एथेंटिसिटी जानना चाह रहे हैं जी। तुम वहाँ ट्वीट कर रहे हो, हमारे यहाँ के भी एक आध घटनाओं का हमें तुमने ट्वीट किया है जी। एक तो तुम्हारे विषय कोई जानता नहीं, किसी तरह से पता चला जी, ठीक है? तो हम तुमसे रूबरू होना चाहते हैं जी। ठीक है जी जी जी। तो कब तुम मिलोगे? सर इस समय तो मैं नहीं आ पाऊंगा अभी 5-6 दिन तक। 5-6 दिन तो मुझे ही आना पड़ेगा फिर से। कहे के लिए आप परेशान होंगे, मैं ही आ जाऊंगा। नहीं, तब तो तुम 5-6 दिन ना आओगे तो मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं, फिर मुझे ही आना पड़ेगा। मैं आऊंगा तो फिर तुम्हारी बेइज्जती होगी, तो उसके लिए तुम जिम्मेदार होगे। तो सर मुझसे गलती क्या हुई? कोई गलती क्या? हमने गलती कोई बात नहीं करी। तो खैर, हम तो तुम्हें जानना चाह रहे हैं, ये कौन ही नए पत्रकार हो गए आप? और इस तरह से आज कल 10 बजे तक आइए मेरे ऑफिस में, ठीक है? जी जी जी। और नहीं तो फिर मुझे आना पड़ेगा आपको खोजने पकड़ने या जो भी XYZ। और इसमें किसी तरह का फोन फान इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। आप अगर हमसे वो करते हैं, चलो बात बन बन बन, तुम कल जो है जी कल 10 बजे तक आप मेरे ऑफिस में आ जाएंगे। नमस्कार। आनंद ठीक तो सर कुछ तो बता दीजिए। अरे कौन है वो लड़की? कौन है पारे को? हेलो सिखा देंगे।
कहाँ पे आई है? अरे टुकड़ा जी, इसने पूछो कहाँ से आई है आराम को, उधर मैं इनको फिट करता हूँ। अभी माँ इससे पूछिए कहाँ से आई है, कौन है, आराम जाती है मीडिया के मैडम को आवारा है पागल अच्छा जी कौन तेरा फोटो खड़वा कर ही थोड़ा पिटवाऊंगा ना, थोड़ा पिटवाऊंगा महिला सिपाहियों से एक वायरल ऑडियो की जानकारी प्राप्त हुई है जिसमें कुछ व्यक्ति आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, जिसमें एक थाना प्रभारी मुस्करा का बताया जा रहा है। उक्त ऑडियो वायरल की जांच हेतु क्षेत्राधिकारी राठ को निर्देशित किया गया है कि इस ऑडियो की सत्यता की जांच करें कि किस व्यक्ति के द्वारा किससे वार्ता की जा रही है। इसके उपरांत जो भी क्षेत्राधिकारी राठ की जांच में आएगा उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।